बेस्ट एंड्रॉयड सेटअप के एपिसोड नंबर 6 में आपको मिलने वाला है स्पेस पे बेस्ड एक काफी कूल नोवा सेटअप। तो इसको आप अपने किसी भी डिवाइस में कैसे सेट कर सकते हो, इस प्रोसेस को जानने के लिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो इस सेटअप के लिए आपको कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, पर उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि आपको इसी वीडियो में किसी भी टाइम पे कहीं भी दिख सकता है। और जो आप फाइल डाउनलोड करोगे वो एक जीप फाइल होगी और वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और उसका भी पासवर्ड आपको इसी वीडियो में किसी भी टाइम पे कहीं भी दिख सकता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिना वीडियो पूरा देखे आप ये कमेंट मत करना कि आपको पासवर्ड नहीं मिला। तो आपको वो जीप फाइल डाउनलोड करके सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर या किसी भी जीप या रार एक्सट्रैक्टर का यूज करके पासवर्ड एंटर करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें आपको कुछ एपीके फाइल्स यानी एप्स दिखेंगे, तो आपको इन सारे एप्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऐप ओपन करना होगा जिसका नाम है KWGT। इसको जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप इसके सारे परमिशन को ग्रांटेड कर देना। परमिशन ग्रांटेड करने के बाद आपको डिफॉल्ट स्टोरेज में आना है, एंड इसमें आपको एक कस्टम नाम का नया फोल्डर दिखेगा, तो इसको आपको ओपन करना है एंड इसके अंदर एक विजिट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। अगर ये दोनों फोल्डर पहले से बन जाते हैं तो ठीक है, वरना आप कस्टम एंड विजिट्स दोनों फोल्डर को मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। अब जो आपने जीप फाइल एक्सट्रैक्ट की है, इसके अंदर आपको 4 विजिट के बैकअप मिलेंगे, आपको इनको सेलेक्ट करके कट करना है एंड फिर कस्टम वाले फोल्डर के अंदर विजिट्स वाले फोल्डर में इनको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको अपने होम स्क्रीन पे आना है एंड जो भी वॉलपेपर आप होम स्क्रीन पे यूज कर रहे हो उसको रिप्लेस कर देना है सेटअप वाले वॉलपेपर के साथ। वॉलपेपर चेंज करने के बाद आपको प्ले स्टोर से नोवा लॉन्चर AKA नोवा 7 को डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड डन पे टैप करना है। एंड डन पे टैप करते ही नोवा लॉन्चर क्लोज हो जाएगा, तो आपको इसको फिर से ओपन करना है। अब इसका जो डिफॉल्ट होम स्क्रीन है वो कुछ ऐसे दिखेगा, तो आपको सबसे पहले नोवा लॉन्चर को एज अ डिफॉल्ट लॉन्चर सेट करना है। तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे टैप किए रहना है, सेटिंग्स पे टैप करना है एंड यहाँ नॉट सेट इज डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो इस पे टैप करके नोवा 7 को एज अ डिफॉल्ट लॉन्चर सेलेक्ट कर लेना है। डिफॉल्ट लॉन्चर सेट करने के बाद आपको फिर से होम स्क्रीन पे टैप किए रहना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रिस्टोर का, इस पे क्लिक करके रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करना है एंड अपने डिफॉल्ट फाइल एक्सप्लोरर का यूज करके आपको वहां आ जाना है जहां आपने सेटअप वाली जीप फाइल एक्सट्रैक्ट की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो जीप फाइल आपने एक्सट्रैक्ट की है उसके अंदर एक नोवा का बैकअप मिलेगा जिस पे लिखा हुआ है द स्पेस सेटअप बाय trickyboysid.nova बैकअप। आपको इस फाइल को सेलेक्ट करना है, ओवरराइड करंट लेआउट का एक पॉपअप आएगा, इस पे ओके कर देना है एंड ओके करते ही अब आपका जो नोवा लॉन्चर का होम स्क्रीन है वो कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपको 4 विजिट्स के सेक्शन दिखेंगे, तो आपको विजिट सेट करने से पहले एक बार KWGT वाले ऐप को ओपन करके क्लोज कर देना है, फिर सबसे पहले वाले विजिट पे टैप करना है एंड यहाँ आपको वो चारों विजिट मिल जाएंगे जो आपने कट करके कस्टम वाले फोल्डर के अंदर विजिट्स वाले फोल्डर में पेस्ट किया था। तो इसमें आपको पहले नंबर वाले विजिट पे टैप करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही पहला विजिट होम स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे तीसरा विजिट है इसमें मेरा नाम है, तो आपको मेरे जगह अपना नाम ऐड करने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ टेक्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ आप अपना नाम टाइप कर लेना एंड अपना नाम लिखने के बाद आपको डन पे टैप करके सेव पे क्लिक कर देना है। सारे विजिट्स को ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल होम स्क्रीन है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। यहाँ नीचे से आप स्वाइप अप करके अपने सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो। बाकी होम स्क्रीन पे आपको कुछ ऐप्स दिखेंगे जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते हो अपने फेवरेट ऐप से। तो आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये सेटअप एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सेटअप एंड वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग टेक स्टफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।